मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट जो आफ्टर द बर्थ काफ़ी वेट्स में होता ही है, जिसके कई रीजन होते हैं, कई कारण होते हैं। इसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन लो बर्थ वेट अकॉर्डिंग टू मधुबा वाले और हाइपोप्लास्टिक वाले इस टाइप के लोग भी होते हैं।
सेल नंबर प्रोड्यूस होने के साथ में सेल की जो साइज है वो भी काफी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी ये पहला है मैटरनल स्ट्रिंग। मैटरनल स्ट्रिंग में दो प्रेगनेंसी है उसकी, एक सोशल इकोनॉमिक स्ट्रिंग और वे शॉर्ट स्टेटम और मदर, यानी मदर का प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग हाइट का कम होना, तो ये मैटरनल स्ट्रिंग पे आता है। नेक्स्ट होता है मैटरनल मालन्यूट्रिशन। मैटरनल मालन्यूट्रिशन में ये होता है कि फूड डिप्रिवेशन, यानी फूड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो लास्ट दिन होते हैं प्रेगनेंसी के उसमें फूड डिप्रिवेशन, यानी कम फूड का टेक करना देना, जिसके कारण से मैटरनल मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। जो वेट है वह प्रेगनेंसी ड्यूरिंग यानी 40 kg से भी कम, ये सभी जो सिम्टम है वो मैटरनल मालन्यूट्रिशन के आते हैं। अगर फूड डिप्रिवेशन रहेगा लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी लास्ट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग में। नेक्स्ट है आपके इसमें इंट्रा न्यूट्रिशन। इंट्रा यूट्राइन यानी जिसे टॉर्च, इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोप्लाज्मोसिस डिजीज, रूबेला, हर्पस सिम्प्लेक्स एंड यूटे इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसमें है प्लेसेंटल डिसफंक्शन। प्लेसेंटल डिसफंक्शन यानी जैसे हाइपरटेंशन के कारण प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन प्लेसेंटा प्रीकिटिया या प्लेसेंटा या अल्ट्रासाउंड इस प्रॉब्लम होती है, तब इस कारण से भी जो है लो बर्थ बेबीज में या ऐसे बेबीज के काफी बेबीज होते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिक प्रेगनेंसी। क्लिनिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान लो बेबीज में होने के कारण प्रॉपर हम मेटल प्लेसमेंट नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू दूसरे बेबी के, इस कारण से क्लिनिक प्रेगनेंसी एक इसमें कारण आता है। नेक्स्ट है इसमें मेटल डिजीज। मेटल डिजीज जैसे कि कार्डिक डायबिटीज या ट्यूबरकुलोसिस, किसी प्रकार की जो ब्रोंकियल अस्थमा है जो कॉज होते हैं लो बर्थ बेबीज के। नेक्स्ट है जेनेटिक या कॉमन जेनेटिक, जैसे कि सम प्रोबेबल जेनेटिक फॉर शॉर्ट लिंक रिवर्सिंग, इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्ट का सर है वो कभी एमोटिस पाई जाती है या डेक्स में पाई जाती है, ये शॉर्ट लिंक डिवेलपिस होता है, ये जेनेटिक होती है। दूसरा होता है कॉमन, इसमें टर्न सिंड्रोम्स या ट्रेसोमी, इसमें क्या होता है अर्ली ब्रीडिंग कैटेज इन बोथ सेल्स नंबर एंड सेल साइज, जो सेल नंबर और सेल साइज को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट में रहते हैं हम डायग्नोसिस के, जो ऐसे पे बेबीज है या लोअर बेबीज है उनको से डायग्नोस करेंगे, तो ऑब्जर्व द वेट एंड गेस्टेशन एज टू कंपेयर बिलियर द स्टेट ऑफ द या डायग्नोसिस ऑफ द लोअर बेबीज। रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा, रिस्क फैक्टर में जैसे एस्पिरेशन ऑफ द मेगोनियम या एमनियोटिक फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोक्सिया, एस्पेक्सिया या साइनोसिस, पोअर टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, हाइपोबिलिरुबिन एंड पोलिस्टीमिया, ये सभी तरह के प्रॉब्लम्स जो होती है इस फैक्टर में ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। प्रिवेंशन में क्या होगा, प्रिवेंशन में पहला लेंगे हम इसमें फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा लेंगे उसमें कौन कौन से नेक्स्ट ऊपर
प्रकार के हम मेडिकल हेल्थ में एडमिशन देते हैं। एक होता है एलर्ट केयर में, यही है कि प्रेगनेंसी के पूरे हमें जो चेकअप करवा रहे हैं तो कितने कंपल्सरी है, कितने चेकअप करवा रहे हैं ये कंपल्सरी है। और इसमें एनएलएफ केयर से ये भी होता है, प्रेगनेंसी किया जा सकता है कि इसमें हम किसी प्रकार की लोटिंग है बच्चे में चाहे माँ में तो उसका हम पता लगा सकते हैं आसानी से एनएलएफ केयर के द्वारा प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, अगर जुड़ी प्रेगनेंसी का किसी प्रकार इन्फेक्शन है तो उससे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हो गए आपके ग्लोबल प्रेगनेंसी में प्रिवेंशन डेफिनेशन टाइप्स फिजियोलॉजी डायग्नोसिस रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट लेते हैं आपके प्रीनेटल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है आपके ट्रीटमेंट बेबी, प्रीनेटल बेबी कौन से होते हैं, गेस्टेशन एज यानी 37 वीक से पहले बर्थ होते हैं वो होते हैं प्रीटर्म बेबी या लेस देन 259 डेज से कम, वो भी कहलाते हैं प्रीटर्म बेबी। इसमें टर्म बेबी क्या होते हैं, प्रेग्नेंट बेबी, टर्म बेबी यानी बेटवीन टू 32-44 वीक्स इज कॉल्ड टर्म बेबीज। पोस्टनेटल बेबीज ऑफ 2 वीक्स, ऑफ 2 वीक्स या मोर देन वीक्स इज कॉल्ड पोस्टनेटल बेबी, पोस्टनेटल बेबी। तो तीन डेफिनेशन है, द बेबी का एज लेस देन 37 वीक्स या लेस देन 259 डेज इज कॉल्ड प्रीटर्म बेबी, टर्म बेबी बिटवीन 37 वीक्स टू 41 वीक्स इज कॉल्ड टर्म बेबी। देन द बेबी बर्थ इन 42 वीक्स या मोर 10 डेज इज कॉल्ड पोस्टनेटल बेबी। तो तीन डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट लेते हैं प्रीटर्म में असेसमेंट फाइंडिंग, या हम कैसे असेस करेंगे कि एक प्रीटर्म बेबी हमने जो हुआ है बड़ा बस हुआ है वो प्रीटर्म बेबी है। तो पहले तो देखेंगे हम वही सेट बर्थ वेट अकॉर्डिंग टू वेट लेस देन, अगर 2.5 के जी उससे कम है लेस देन या 2.5 है तो वो प्रीटर्म में असेस करेंगे, इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर जो हेड सर्कमफेरेंस है वे अगर 33 से कम है या चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 30 से कम है या जो निपल्स है वे 5 mm से कम है या अनडिसेम टेस्टिस है मोस्टली मेल चाइल्ड में। नेक्स्ट स्पीच होता है कि असली में के जो रेनुआ यानी जो ईयर्स कितना है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, रेनुआ हेयर्स होते हैं जो बेबीज के हाथों होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रीटर्म बेबीज को। नेक्स्ट स्पीच ये करते हैं जो स्किन्स है वो काफ़ी डार्क रेड होती है जो प्रीटर्म बेबीज को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है शॉर्ट नेल्स होते हैं, रिफ्लेक्स कमिंग फ्लो होते हैं और डिफिकल्टी होती है स्वेलिंग सोलरिंग एंड सकिंग। नेक्स्ट आते हैं इसी में कॉज, पहला कॉज है स्पोनोजेनेसिस यानी स्वाभाविक जो कॉज होते हैं जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जैसे एंटीपार्टम हेमरेज है, किसी प्रकार की कोई अदर हेमरेजेस है या क्रोनिक सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है या एक्यूट इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल एक्सप्रेशन है या सेक्सुअल एडवर्सरी ट्रॉमा है, लो मेटेबल वेट है जैसे या पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, मेटेबल माल न्यूट्रिशन है या सिगरेट स्मोकिंग अदर जो प्रेगनेंसी होती है ड्यूरिंग में उस प्रकार की कंडीशन है या मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी। पहले हम अकॉर्डिंग टू लो बर्थ हम ये कागज में काफ़ी ये कागज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देते हैं हम इसमें इंड्यूस कारण, इंड्यूस क्या होता है
जो किसी कारण से ये जो होने को है, तो इंग्लिश को पहला ये है कि जो गुरु प्रज्ञा सिंह द्वारा किसी बड़ी डिजिट से कार्डिक डिजिट या डायबिटिक पीड़िता जो मदर्स होते हैं उसके लिए इंग्लिश कौन में जो है प्रेग्नेंट बेबीज को कारण होते हैं। दूसरा प्लेसेंटा डिसफंक्शन, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, उसमें जैसे डिसफंक्शन में प्लेसेंटा प्रीविया या हाइपरटेंशन या एक्लेम्सिया, दिस कंडीशन इज टू इंडिकेट टू प्रीटर्म बेबी। फिटर है, हाइपोक्सिया है या फ्यूचर डिस्ट्रेस है, एक्टिव पार्ट ऑफ हैप्नेस है या सिवर बार आरएच आइसोलेशन है। तो नेक्स्ट लेते हैं इसमें थर्ड इवेंट्स इथ्रो डेलिगेट, इससे कारण क्या आता है इसमें जो खुद के असेसमेंट पर डिपेंड करता है, यानी पुअर असेसमेंट ऑफ द पुअर डायग्नोसिस या प्रॉपर डायग्नोसिस जो होता है उसमें यह इथ्रो डेलिगेट कौन होता है। नेक्स्ट इंस्पेक्टर्स में वही इंस्पेक्टर्स हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग, एस्पेक्सिया, सीवर डिस्ट्रेस, हाइपरथ्रोबिन, साइनोसिस, हाइपोक्सिया एंड फिटल डिफिकल्टी, इन्फेक्शन एंड अदर रिस्क फैक्टर्स टू टू प्रीनेटल बेबी। नेक्स्ट है आपको मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द प्रीटर्म या लो बर्थ वेट बेबीज। पहला है डे ऑफ द बर्थ, यानी जहाँ डिलीवरी हुई है वो जो पहले से वो काफ़ी सूटेबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट द मदर वेयर ऑप्टिमम फैसिलिटीज, लो बर्थ बेबी या प्रीटर्म बेबीज आर अवेलेबल। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया एंड एफिशिएंट ही सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है एप्रिशिएट प्लेस ऑफ द वेयर बर्थ वेयर, अगर इनकी थर्मेशन कम है तो होंगे बर्थ वेयर अगर 1,800 से कम है तो सेकेंडरी लेवल की है ओन केयर, एंड बर्थ वेट अगर 1,500 से भी कम है तो टार्टर यानी टार्टरी लेवल न्यूबॉर्न केयर मिल जाती है। नेक्स्ट है थर्मल प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन में पहले जो है कवर ऑफ द ड्राई ऑफ द बेबी ऑफ द बर्थ एंड कवर ऑफ द वार्म लेयर एंड डिले बाथिंग, ये थर्मल प्रोटेक्शन में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लूड है फ्लूड्स, फ्लूड्स में लो बर्थ बेबी या प्रीटर्म बेबी काफ़ी डिहाइड्रेट कंडीशन में हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उन्हें फ्लूड हमें जितना जल्द हो सके वो स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लूड्स, फ्लूड्स हमें अगर किसी से कंडीशन है तो हमें आफ्टर द बर्थ आफ्टर वर्क और ड्यूरिंग भी हमें बर्थ यानी फीडिंग करवानी चाहिए। अगर किसी कंडीशन दौरान बच्चा बर्थ यानी फीडिंग करने में ब्रेस्ट फीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कटोरी या स्पून से हम फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, मॉनिटरिंग जैसे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल साइंस एंड एनी डिस्ट्रेस एनी मॉर्मोलिटी एंड डिटेक्शन और एनी बड़ी डिजीज यानी बिग डिजीज को हमें जितना जल्द हो सके डिटेक्शन करना चाहिए, इससे हम प्रिवेंट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो किसी से कंप्लीट होगा रिटर्न बेबी या लो बर्थ बेबी वेट टू टाइप्स थे, पहला था एस एफ एनी स्मॉल फॉर डेथ या स्मॉल फॉर द एज, दूसरा है रिटर्न बेबी। किसी से कंप्लीट कर दोगे लो बर्थ बेबी एंड रिटर्न बेबी। थैंक यू एवरीवन।